में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज चर्चा आंकड़ों पर आर पार की। मध्य प्रदेश में 39 लाख युवा बेरोजगार है। हर महीने 1.5 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं। चिंताजनक बात यह भी है कि रोजगार देने के लिए सरकार ने 17 करोड़ रुपए खर्च किए, 39 लाख फॉर्म जमा कराए, लेकिन नौकरी सिर्फ 21 लोगों को दी। इन आंकड़ों के दम पर ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। वहीं सरकार का कहना है कि ये आंकड़े रोजगार कार्यालय के हैं। वास्तव में सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में रोजगार की तमाम योजनाएं चलाने का दावा करने वाली सरकार इस मामले में अपने ही आंकड़ों से घिर गई है। विधानसभा में सरकार ने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में रोजगार कार्यालय खोले हैं। 1 अप्रैल 2020 से MP सरकार ने राज्य के 52 जिलों में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोले हैं। इसके लिए सरकार ने खर्च किए 16 करोड़ 74 लाख रुपए। राउंड फिगर में जोड़ेंगे तो करीब 17 करोड़ खर्च किए गए। खैर, अब इतना खर्चा हुआ है तो काम भी होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। कांग्रेस के एक विधायक ने यही सवाल सरकार से पूछ लिया और सरकार ने जो जवाब दिया उसको सुनकर तो खुशी हो जाएंगे। सरकार ने विधानसभा में बताया कि बीते 3 साल में कुल 21 लोगों को रोजगार मिला है। यानी शिवराज सरकार ये कहना चाह रही है कि करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लोगों को रोजगार दिया गया। मतलब एक शख्स को नौकरी दिलवाने में करीब 80 लाख रुपए खर्च हुए। 40 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से 21 लोगों को रोजगार दे पाए। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में रोजगार के, अच्छी शिक्षा चाहिए आप बाहर जाओ, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छा रोजगार चाहिए आप बाहर जाओ। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि मध्य प्रदेश में लूट सके तो लूट योजना, ना कोई उद्योग नायक, ना कोई व्यापार नायक, ना कोई नई व्यवस्था है, सिर्फ भाषण का शासन और मुंह चलाने का शासन मध्य प्रदेश में चल रहा है। और ये बात तो कबूला है भाजपा सरकार ने कि आज मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में जब से ये भ्रष्ट सरकार भाजपा की प्रदेश में आई है 37 लाख बेरोजगार युवा है ऑन रिकॉर्ड। और 37 लाख बेरोजगार युवाओं में से पिछले 3 साल में ये भाजपा सरकार सिर्फ 21 युवाओं को सरकारी नौकरी दे पाई है। ये इनकी स्थिति है और सपने दिखा रहे हैं 1 लाख सरकारी नौकरियों की। MP में कुल 39 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। इनमें से 37,80,000 से ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे जबकि बाकी अशिक्षित थे। लेकिन इन 39 लाख में से नौकरी सिर्फ 21 लोगों को ही मिल पाई है। पिछले साल लाखों लोगों ने खुद को बेरोजगार रजिस्टर कराया था। यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 तक का था, लेकिन साल खत्म होते होते यह आंकड़ा बढ़कर 39 लाख के करीब पहुंच गया। राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आंकड़ों के मुताबिक 39 में से 37,80,689 युवा पढ़े लिखे हैं और 1,12,470 अशिक्षित हैं। सरकार ने बताया कि 21 आवेदकों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स भी दी गई हैं, जबकि 2,51,577 को जॉब फेयर के जरिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब के ऑफर लेटर मिले हैं। युवा ये तो उद्यमी योजना है। इसके अलावा हम 1 लाख रुपए रोजगार के लिए अलग से युवाओं को देने का काम कर रहे हैं। फिर हमारी अन्य योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर है, बाकी योजनाएं हैं, तो इनसे जो रोजगार मिल रहा है वो अलग है। जैसे स्ट्रीट वेंडर में 6 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में हम लोगों ने रोजगार दिया, जो देश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी समस्या तो है, लेकिन कितनी बड़ी समस्या है ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने विधानसभा में कायदे से बताया है। शिवराज सरकार की मंत्री ने सदन में बकायदा आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने के लिए सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है, लेकिन वो तो काम नहीं कर पा रही है। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक है बीजेपी से, धर्मेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा शंकर लाल जी से है। शंकर लाल जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, ये कैसे आंकड़े हैं आपकी सरकार के? 3 साल में 21 लोगों को रोजगार दिया है, अगर आप 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो कितने दशक लगाएंगे, बताइए। मैंने आपका कुछ अपनी जगह ठीक है जुड़ा हुआ आपका, पर एक बात आप भी सुनिए मेरी, वो ये है कि बेरोजगारी को अकेले मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का या प्रदेश का मामला नहीं,
बेरोजगारी का आलम पूरे देश के अंदर है और निश्चित रूप से उन बेरोजगार नौजवानों की चिंता भी करनी चाहिए, सरकारों ने की भी। आप एक बात नहीं काउंट कर रहे हैं, एक बात तो आपकी मैंने सुनी अभी कि भैया इतने रोजगार ऑफिस खुले हैं, इतने लाख रुपए उसका एस्टेब्लिशमेंट खर्च आ रहा है और उसके माध्यम से और इतने कम लोगों को नौकरियां मिली, ये बात आपकी सही हो सकती है, आपने आंकड़े दिखाए जी। पर आप देखिए आज के तारीख में रोजगार कार्यालय के अलावा अन्य तरीकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह जी के प्रयासों से हर जिले में रोजगार मेले हर महीने में लगते रहे जी। अभी पिछले महीने भी रोजगार मेले लगे हैं, उसमें सीधे कंपनियों में और प्राइवेट कंपनियों में रोजगार करने वाले जो युवक हैं उनको काम मिलता है, जॉब मिलता है, किसी जिले में कुछ मिला किसी जिले में कुछ मिला। तिवारी जी दोबारा आऊंगा आपके पास, रुक करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता का धर्मेंद्र शर्मा जी का। शर्मा जी मंत्री कह रहे हैं शिवराज सरकार के कि हमने स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया है, उससे उनको रोजगार मिला है। एक तरफ माता पिता हैं जो बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ रेडी पटरी वालों को लोन दिया है वो गिना रही है सरकार। धर्मेंद्र जी हेलो जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, कहिए सर। कितना शर्मनाक है कि मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं और उनके पार्टी के नेता प्रवक्ता रोजगार के आंकड़े देना तो छोड़िए, रोजगार की बात करना तक मुनासिब नहीं समझते। अभी तिवारी जी बड़े वरिष्ठ हैं, इन्होंने कहा हम रोजगार मेले लगा रहे हैं। मेरे सामने एक आंकड़ा रखा है, 1321 रोजगार मेले लगे जी। और उसके लिए इतना करोड़ों अरबों रुपए शिवराज सरकार ने ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। अब आपको जानकर हंसी होगी ब्रिजेंद्र जी, जी 1000 रुपए की नौकरी मिली है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मंत्री ने जवाब दिया विधानसभा की पटल में। क्या मजाक लगा रखा है, मध्य प्रदेश के युवाओं को छलने का काम लगातार शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। अब आप मुझे बताइए 38,92,000 जी 949 इनके आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार हैं। एक घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे भांजे भांजियों मैं आपको रोजगार दूंगा, केवल भाषणों में रोजगार देते हैं। ऐसे ही इनके प्रधानमंत्री जुमलेबाज जो केवल जुमला देते हैं कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा जी। 9 साल केंद्र में मोदी जी को हो गए, 9 करोड़ युवाओं को रोजगार देना तो छोड़िए 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। यही हाल मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का युवा। ठीक है धर्मेंद्र जी, आऊंगा दोबारा आऊंगा, मैं ओपनिंग कमेंट के लिए सोनी जी के पास जाऊंगा। सोनी जी कैसे देखते हैं, आपने बीजेपी को सुना कांग्रेस को सुना और जो आंकड़े जो सदन में रखे गए वो भी आपके सामने हैं, क्या तस्वीर जो है वो धुंधली है या बिल्कुल काली नजर आ रही है? देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूँ चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष के हिसाब से दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े भी अभी लगातार आ रहे हैं। मैं समझता हूँ 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की हालत है जी। और आज की डेट में अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश में 3.52% बेरोजगारी दर है, जो बेरोजगारों की दर है वर्तमान में, और उसी में महिलाओं की उसी में पुरुष की। तो मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा जो है इस पे कभी जब चुनाव आते हैं जब पार्टियां रोजगार की बात करती हैं बेरोजगारों की चिंता करती हैं और वो भी अभी भी लगभग 6 महीने बचे हैं और अभी भी जो चिंता होनी चाहिए सरकार की वो चिंता सरकार की नहीं है। उसका कारण है क्योंकि बेरोजगार पे ध्यान नहीं दिया आपने, किसानों की बात की और अन्य विषयों पे आपने बात की, लाडली बहना योजना, मगर अब चुनाव दिख रहे हैं तो बेरोजगार बड़ी संख्या में है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम एक झुंझुना पकड़ा दें। तो मुझे लगता है कि इस पे चिंता सरकार को बहुत गंभीरता से करनी चाहिए थी, बहुत गंभीरता से इनको। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि जो अन्य सेक्टर हैं आप उनको भी जोड़ ले रहे हैं कि हमने इनको भी रोजगार। अब जो अभी जो भूपेंद्र सिंह कह रहे थे मुझे लगता है कि थोड़ा उन्होंने गंभीरता से समझा नहीं, उन्होंने जो
जो पथ विक्रेताओं को जो लोन दिया है, स्ट्रीट वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर को, उसकी बात कर रहे हैं वो, उसमें रोजगार का विषय नहीं है, वो तो लोन दे रहे हैं आप, लोन आप लेंगे नहीं लेंगे ये तो अलग विषय है, स्वैच्छिक है। तो ऐसे विषयों को जोड़ना रोजगार से या बेरोजगार के आंकड़ों से ठीक नहीं है, तो सरकार को बड़ी चिंता करनी चाहिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, मैं तिवारी जी का रुख करूंगा। तिवारी जी, लोन देना रोजगार देना एक समान है या अलग अलग है? शंकर लाल जी और अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, पर रेहड़ी पटरी वाले देश के नागरिक नहीं है, प्रदेश के नागरिक नहीं है, उनका रोजगार चलता रहे और इसलिए सरकार ने उनकी मदद की है कि आपका रोजगार जो कोरोना काल के कारण पूर्ण बंद हो गया, पूंजी भी आपकी खत्म हो गई, तो उसको आप रोजगार ही नहीं मान रहे जो रेहड़ी पटरी में है, हजारों लाखों लोग मध्य प्रदेश के अंदर देश के अंदर काम कर आपकी इच्छा। पर मैं दूसरी बात ये कह देता कि करोड़ आप भाई साहब कह रहे थे अभी कि मैंने रोजगार पर हमने कोई काम नहीं किया, भैया जी अपन भूल जाते हैं, अपन राजनीतिक रूप से हर बात की बहस करना चाहते हैं और जुमलाबाज शर्म करो इस ढंग के शब्दों का अपन इस्तेमाल करते हैं और आप चाह रहे हैं उनको कर्ज दे दिया जाए। तिवारी जी कितना शर्मनाक है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री भाजपा के और 18 साल से घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए, शर्म नहीं आ रही आपको? आप युवाओं को कर्ज में कर्ज देकर उनका रोजगार दे नहीं पा रहे, आप लोगों को रोजगार देना चाहिए, रोजगार की बात करते हैं आप लोन पर चले जाते, अरे पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है, आप मध्य प्रदेश में केवल मोदी जी को शिवराज सिंह जी का फोटो छापना अखबारों में, आप किस मुल्क बड़े बड़े विज्ञापन देना, आपने कर्मचारी का भत्ता आप जो कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज मध्य प्रदेश में आपको चुकाना है, नहीं नहीं अपना फोटो छापने का काम करो, यहाँ बैठ करके गप मार रहे हो, ये गप मारने से थोड़ी काम चलेगा, वचन पत्र में तुमने कहा था कि हम वचन पत्र बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, एक मुख्यमंत्री है शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, प्रधानमंत्री बने हुए स्टेट में और आज जो युवाओं के लिए बेरोजगारों के लिए 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या, क्या हालत है? अरे भैया एक लगातार निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में दोनों में रोजगार मिला और तमाम लोगों को रोजगार मिला, क्यों रोजगार मिला? तुमको जबरन बोलना है मैं तो बोल सकते हो, जनता ने तो जवाब दो ना, ये वचन पत्र में लिखा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया था अपने वचन पत्र में, उसका क्या हुआ? अरे साहब 7 साल की सरकार ने जितने तिवारी जी को एक आंकड़ा और देखना चाहिए, आज शिक्षा सोनी जी आप देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारों पर राजनीति हो रही है, युवाओं के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन ये भी हकीकत है ना, सरकार कह रही है कि 21 लोगों को रोजगार मिला है, पर हेड 80 लाख रुपए का खर्च आया है, ये तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ऐसे तो।
तिवारी जी सुनने की क्षमता रखिए, बिल्कुल आप नहीं सुन पा रहे, नंबर मेरा था, आप चीटिंग कर रहे हैं जी, बताओ तिवारी जी कि कितने बेरोजगार हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, इन्वेस्टमेंट स्पीड का भी रोल सुनिए, अपनी बात पूरी कीजिए, देखिए क्या किया आपने 18 साल में सरकार ने, हमने सर्वे कराया जी, सर्वे में 5.5 लाख यानी करीब करीब हमने तो हर 6 लाख रोजगार देने लगा, 5,51,000 रोजगार दिया का बेरोजगारी संग्रह है। तिवारी जी आऊंगा आपके पास में, सोनी जी को सुन लीजिए, अगर आप इनको नहीं रोक सकते तो मैंने उनको रोक दिया है सर, आप अपनी बारी में बोलिएगा, धर्मेंद्र जी तिवारी जी सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको कहने दीजिए अपनी बात, बोलने का मौका नहीं मिला, ये आदमी बैठ करके गप्पो मार रहा है, बजट पत्र का उत्तर दो एक बेरोजगार, तिवारी जी संजय जी को सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरे मैं सुन रहा हूँ, पर इनको आप नहीं रोक पाते हैं, ये जबरन में जब मेरा नंबर था आज पहले इनके बीच में नहीं बोला, ना भी करें जी तो इकोनॉमी सर्वे का जो इनका आंकड़ा आया था उसमें 5.5 लाख बेरोजगार की संख्या बताई गई थी जी, खुद सरकार ने बताई कितना है, और आपको याद होगा CMIE की रिपोर्ट जो थी उसमें पहले 7वें नंबर पे था मध्य प्रदेश, फिर 6वें नंबर पे आया, फिर अब 1st नंबर पे पहुंच गया है, तो बेरोजगार के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुझे 5 साल पूरी सरकार होती है, आप स्टेप बाय स्टेप पूरे रोजगार देते हैं और उसका सृजन भी करते हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे बेरोजगारों की संख्या कम होगी, तो आपके आंकड़े दुरुस्त होंगे, विधानसभा के पटल अकेले पे नहीं, आपको बाहर भी आपको कहने के लिए मौका होगा कि हमने इन 5 सालों में इतने लोगों को रोजगार दिया, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात होगी, ठीक है ठीक है, इस पर तिवारी जी का कमेंट लेते हैं, तिवारी जी 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 21 लोगों को रोजगार मिला है, आपकी सरकार कह रही है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे युवाओं को, सर कितनी, ये तो चीटी भी इससे तेज चलती होगी इस रफ्तार से, अगर आप रोजगार देंगे तो सदियां बीत जाएंगी, फिर तो ये आंकड़े ही चीटिंग के है, आपके कहने से संदेह होगा, ये आंकड़े ही चीटिंग के है, आप कह रहे हो कि पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में हम रोजगार अगर मिल रहा है नहीं तो हम उसको मानेंगे नहीं, अब पूरे प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार ही नहीं मानते हैं, रोजगार मेले के अंदर लोगों को रोजगार मिला, अब रोजगार ही नहीं मानते हैं, तमाम प्रकार के विकास कार्य हुए उसमें तमाम लोगों को काम मिला, अब उसको रोजगार नहीं मानते हैं, स्टार्टअप के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को काम देने का काम किया, अब रोजगार नहीं मानते हैं, जैसा वरिष्ठ व्यक्ति सरासर झूठ बोलने का काम कर रहा, अरे तो पूरी पार्टी झूठी है यार, बताओ थोड़ी सी अरे थोड़ी सी तो बचत पत्र में किसको भत्ता मिला बताओ, आदरणीय विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, ब्रजेंद्र जी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अगर सरकार 18 साल से युवाओं के रोजगार की चिंता कर रही होती तो आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का ये आलम ना होता, सरकार ने निरंतर चिंता की है इसलिए बहुत काम है युवाओं को रोजगार देने की, और आज भी चिंता भारतीय जनता, ठीक है तिवारी जी ठीक है, मैं रुक करूंगा धर्मेंद्र जी का, धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं देश में बेरोजगारी है, माना बेरोजगारी है, लेकिन आपकी पार्टी का ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है, आप जनता को क्यों नहीं बता पा रहे कि बेरोजगारी है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी पार्टी का सफाया हो गया, धर्मेंद्र जी ब्रजेंद्र जी अगर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में बैठकर 9 साल से युवाओं के रोजगार की आलोचना की तो आज बेरोजगारी और यही शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में एक मत किया, बेरोजगारी की हालत भी होती, आप पार्टियों की चिंता छोड़िए, सरकारें आई नहीं सरकारें जाई नहीं, सरकारों का नाम है देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना, आज शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए, ना ये महंगाई कम कर पा रहे हैं ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, केवल झूठ और जुमले और नई नई घोषणाएं करना, अरे भैया तुम सत्यवादी बताओ कि कितनी जुमलेबाजी, कब तक विज्ञापनों का सहारा मिलेगा, आप विज्ञापनों में ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब ले लेते तिवारी जी से इस पर, तिवारी जी शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्यों सरकार ने कुछ नहीं किया, आप स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दे रहे हैं अच्छी बात है, उनका जीवन यापन हो रहा है, वो तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों का क्या,
मैं पहले आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने स्ट्रीट वेंडरों को भी नागरिक मान लिया, उनको भी रोजगार जरूरी है। सर हम सब इस देश के नागरिक है, सर हम सब इस देश के नागरिक है जी। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार मान रहे हो, आपने अभी मान लिया, मैं आपको धन्यवाद जी। मैं आपसे ये कहना चाहता, पहले शुरू में कहा था आदरणीय जी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, उनको लग रहा है उन्हें लड़ नहीं किया, पर मैंने एक सवाल उठा कि भैया आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने वचन पत्र में बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात, हमारी जी सरकार आपकी 18 साल बीच में बोले जी, बोलने दीजिए ने। तेरा 15 महीने की सरकार से कब तक जवाब मांगेंगे? प्रदेश में आपकी सरकार है, थोड़ी सी तुम्हारे पोषण से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टर्स मीट हमने की, उसके खिलाफत आपने की, हमने स्टार्टअप चलाया, स्टार्टअप के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने का काम पूरे देश में हुआ, प्रदेश में भी हुआ। आप उसको देख रहे तमाम विकास कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला, पर आप तो सिर्फ टीवी पर बैठ कर सुनना चाहते हो, बताओ ने किसको दिया? आप तो वरिष्ठ है, आप अपनी उम्र का तकाजा रखिए, तुम बाल काले करके बैठे हो तो उम्र का क्या मतलब? धर्मेंद्र जी आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, 15 महीने आपकी सरकार थी, आप तो आईफा अवार्ड करा रहे थे, आपने जनता के लिए क्या किया 15 महीने में? युवाओं को रोजगार भत्ता दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, गरीबों को 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल देने का दिया, आज बिजली का बिल के नाम पर जो मध्य प्रदेश की जनता को लेकर ये मेरे पास अखबार रखा है, ये देखिए 17 कनेक्शन एक दिन में काट दिए गरीब जनता, बिजली अभी जा रहे हैं। महंगाई की हालत ये है कि आप देखिए 12 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, ठीक है तिवारी जी, शर्मा जी, आप दोनों को दर्शकों ने सुना, आप सोनी जी का वक्त है। सोनी जी अगर सरकार जनता के पैसे की इस तरह से बर्बादी करेगी, 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 21 लोगों को रोजगार मिला है, सरकार 8,000 करोड़ आवंटित कर रही है लाडली बहना योजना के लिए, आपको नहीं लगता है कि ये फ्रीबीज बंद करना चाहिए और ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि लाडली बहना रोजगार मिल सके? नहीं देखिए, एक्चुअल में बात बहुत गंभीर है, और आपने भी जैसा कहा कि मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, आपने भी जब एजुकेशन किया होगा तो कभी ना कभी रोजगार कार्यालयों में आपने आवेदन किया हो जी, मगर मुझे नहीं लगता कभी उसका जवाब आया हो आपके पास। मैंने भी कई बार ऐसे अपने जीवन में जब मैंने एजुकेशन किया तो मैंने भी रोजगार कार्यालयों के दरवाजे खटखटाए, आवेदन किया, मगर कभी उसका जवाब नहीं आया कि आपको एग्जाम देना है या आगे क्या रोजगार की राशि। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होगी, जवाब ने दिया होगा रोजगार कार्यालय में। वो सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी, सिस्टम में कैसे होता है। आज जितने भी प्रदेश भर में रोजगार कार्यालय है आप उसके आंकड़े निकालिए, आपको आंकड़ों में पता चल जाएगा कि आपने आवेदन बहुत लंबे संख्या में कराए लेकिन रोजगार की संख्या बहुत कम आंकड़ों में सिमट के रह गई। क्या कारण है? आपने कभी मॉनिटरिंग, आप जिला जिला जो प्रभारी मंत्री होता है वो कभी इस दिशा पे मीटिंग ही नहीं करता कि वो जिला रोजगार कार्यालय के आंकड़ों पे बात करे कि आखिर रोजगार कार्यालय की क्या स्थिति है, कितने आवेदन आए, कितने को रोजगार दिए गए। नहीं, पूरी मॉनिटरिंग होती है, उसी आधार पर रोजगार मेलाओं की श्रृंखला चली, उसी आधार पर विकास काम मैं भविष्य की चिंता की भी बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी से बात कर रहा हूँ। रोजगार का विषय ऐसा है कि सरकार बनते साथ और सरकार को खत्म होने तक रोजगार की बात होनी चाहिए, चुनाव कवर मंत्र पे रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा ये सत्य है, ये चिंता बढ़नी चाहिए, इस चिंता पे काम होना चाहिए। गंगालाल जी आखिरी कमेंट आपका, इस समस्या से कैसे आप दूर करेंगे समस्या को, 18 साल से आपकी सरकार है, अगर आप 15 महीने की सरकार से सारे सवाल पूछेंगे तो सवाल तो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, 18 साल आपने राज किया है। स्वागत है, आप खूब पूछिए, अच्छा लगता है, और हमें बताना नहीं चाहिए, हमें सलाह मांग के प्रयास भी बढ़ाना चाहिए। शिवराज सिंह जी की सरकार, फिर धर्मेंद्र जी उनको बोलने दीजिए सर, मध्य प्रदेश बोलने दीजिए,
इन्होंने समय का अभाव है, दर्शक समझ नहीं पाते, अगर आपस में तो दर्शक नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ यहाँ टीवी में बैठ के चैनल में पिट-पिट करने से कांग्रेस ने काम किया होता, युवाओं को रोजगार देने की चिंता की काम ने किया होता, तो चार चार बार सरकार ने बनती, बेरोजगार ना होते, लोकसभा में तुम ढूंढे नहीं मिले चुनाव में, पांच सीट कुल जीते तो धोखा किसानों का कुशासन की सरकार जाने वाली है। आपको बोल रहे की कोई आपके बोलने का कोई फूल नहीं है, आप जनता वोट कर आखिरी सवाल आपसे, कौन सी योजना है जो आप लेकर आएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? जिसने कहा पैसा खर्च करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बदले में वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे ये तो सबसे बड़ी चिंता है, और मैं समझता हूँ कि आज आप देखिए कि क्यों लोग सारे तकनीकी शिक्षा से जुड़े या जो भी विषय पे लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनको लगता है कि अब तो सरकार का सिस्टम अब फेल है और हम अब उस पर इसलिए काम नहीं करेंगे, अब तो वो बाहर भेज रहे हैं। आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, एक तरह का पलायन ही कहेंगे, क्योंकि उनको यहाँ देश में रोजगार नहीं मिल रहा, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, तो वो विदेश में जा रहे हैं। तो विदेश में जाके फिर आप बाद में कहेंगे कि साहब हमारे इधर आप मदद करिए, तो जब उसको रोजगार जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोजगारी समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में 39 लाख बेरोजगारों में से 21 लोगों को रोजगार मिलने की खबर हमारे सिस्टम की कमजोरी दिखाती है, और सरकार को इस कमजोरी को दूर करना चाहिए ताकि युवाओं को उनका हक मिल सके। फिलहाल डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।